आपको मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंदी पर उड़ने वाला जो परिंदा है, रपल्स ग्रिफन वल्चर, उसका एक क्लोजअप दिखाता हूँ। उसमें आप मुझे 5 सर्कल गिनवा दें। ये उसका क्लोजअप है। अगर आप, आई डोंट नो, खैर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। जी रोहिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपको अब आवाज़ आ रही है? थोड़ा नेट का इशू है, नेट के इशू की वजह से भी हो सकता है। ये देखिए, ये रपल्स ग्रिफन वल्चर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर बुलंदी पर जाकर उड़ने वाला ये परिंदा है। इसकी आई का क्लोजअप आप देख लें। इसमें अगर आपको 5 सर्कल्स नज़र आते हैं तो मुझे बता दें कहाँ पे हैं इसके 5 रिंग। ये तो इसका राइट साइड का आई है, ये लेफ्ट साइड का आई भी देख ले। 5 सर्कल आपने गिनवाने हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा है ये, मगर इसकी आंख में कोई 5 सर्कल नहीं है। कोई सर्कल ऑफ अडेप्टेशन नहीं बना हुआ अलहदा से, कोई सर्कल ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन नहीं है। इसके बावजूद ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा है। मतलब दुनिया में और कोई भी परिंदा इतनी बुलंदी पर नहीं जाता। यानी ये कबूतर, सॉरी ये कबूतर नहीं, ये गिद्ध जो है, गिद्धों की एक्साम रपल्स ग्रिफन फल्चर, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज़्यादा, यानी 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा हाइट पर जाकर उड़ता है। तो इतनी हाइट से ये अपने घोंसलों को भी बहुत बखूबी से देख लेता है और अपने शिकार को भी पड़े हुए ज़मीन पर देख लेता है, और वहाँ पर जाकर उसे अपना शिकार हासिल करके फिर अपने घोंसलों को लौट भी जाता है। तो इसमें इसकी जो अडाप्टेशन की स्किल है, कोरिलेशन की स्किल है, ब्रीडिंग की स्किल है, इंटेलिजेंस है, सारा कुछ जो सा है वो आप देख सकते हैं कि इसकी आंख से बिल्कुल डिफाइन नहीं है। तो फिर कबूतरों में हम ये डेफिनेशन क्यों ढूंढते फिरते हैं कि जी कबूतर जो सा एक हाइट पर चला गया और वो घर वापस कर रहा है, वापस आ रहा है, तो उसकी आँख में 5 सर्कल होने ज़रूरी हैं। या अगर वो ब्रीडिंग के लिए हमने पेयर जोड़ा तो उसकी आंखों में 5 सर्कल होने ज़रूरी हैं। जब कुदरत ने जंगली परिंदों में इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं रखी और उनको ये सारी जी बिल्कुल वेलकम बैक, मैं कह रहा था जब कुदरत ने इन रपल ग्रिफन वल्चर्स को सारी की सारी एबिलिटीज़ और स्किल्स दी हैं जंगलात में, जंगली माहौल में सर्वाइव करने के लिए, तो हमारे पालतू कबूतरों में इंटेलिजेंस के आंखों के डोरों से आनी थी क्या? इनमें वो एबिलिटीज कुदरत ने नहीं दी होंगी? क्योंकि बने तो जितने भी डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, दे ऑल बीन क्रिएटेड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड बर्ड्स, नो मैटर वट एवर ब्रीड वी आर टॉकिंग अबाउट, दे ऑल बीन द डिसेंडेंट्स ऑफ द वाइल्ड क्रिएचर्स। सो वेन द वाइल्ड बर्ड्स डू नॉट नेसेसरली रिलाई अपॉन ऑल द 5 सर्कल्स ऑफ द आइज और द 5 सर्कल्स माइथोलॉजीज, फेक माइथोलॉजीज, देन वाई आर डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स डू रिलाई ऑन सच काइंड ऑफ फेक कॉन्सेप्ट्स? वी शुड नॉट बी बादर अबाउट नो मैटर वट एवर आई कलर इज प्रेजेंट इन वट विच एवर ब्रीड, इट डजेंट मैटर एट ऑल, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन देयर इंटेलिजेंस, इट हैज़ नो रिलेशन विद देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर रिटर्निंग एबिलिटी एंड होमिंग एबिलिटी, इट हैज़ नो रिलेशन विद दैट एट ऑल, नो मैटर इफ दे हैव द सेल्फ कलर आइज, मल्टी कलर आइज और जस्ट अ प्लेन आइज, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो मैं इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए मतलब बता रहा हूँ जो कि फॉरेन कम्युनिटी से हैं और उनको उर्दू अंडरस्टैंड नहीं होती है। ये परिंदा दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा है, रपल्स ग्रिफन वल्चर। अगर किसी को यकीन नहीं तो मैं उसको वो वाली पिक्चर भी दिखा देता हूँ जिसमें बकायदा एक चार्ट बना हुआ है हाइट वाइज कि कौन कौन से जंगली परिंदे किस किस हाइट पर उड़ते हैं। अगर नहीं यकीन तो आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हैं। ये उन्होंने माउंट एवरेस्ट बनाई हुई है, इसकी उन्होंने हाइट भी लिखी हुई है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट से अगर हम देखें ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर, तो ये लिखा हुआ है रफल्स ग्रिफन। रफल्स ग्रिफन बेसिकली इस वल्चर का नाम है जिसकी मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है।
और आप देख लें इस चार्ट में इनकी जो हाइट है 11,278 मीटर की हाइट तक ये उड़ान देते हैं, इस बुलंदी तक जाते हैं। तो इस बुलंदी पर जाने वाला कोई दूसरा परिंदा नहीं है। लोग कहते हैं कि जी कबूतर की आंखें न सॉरी कबूतर की नाक नॉस्ट्रिल्स लंबे होने चाहिए ताकि वो हाइट पर जाकर उड़े, तो उसे ऑक्सीजन जो सी है वहाँ पर हासिल करने के लिए बड़ी नाक से फ़ायदा हो। सरासर झूठा और फेक कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको जो दिखाए थे रपल्स ग्रिफिन वल्चर की एक्चुअल जो क्लोजअप दिखाया, मैंने अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ, आप देख लें कि इनके नॉस्ट्रिल्स तो नहीं उस तरह से बड़े होते। ये रपल्स ग्रिफिन वल्चर, इसका नाक देख लें कितना लंबा नाक है इसका भी, देखें जरा छोटी सी नाक है। ये तो नहीं चोंच के साथ यहाँ तक लंबी निकली हुई नाक। तो जो लोग कहते हैं लंबी नाक से ऑक्सीजन जो सी है हाइट के ऊपर हासिल करने में आसानी होती है, तो ये रपल ग्रिफिन वल्चर जो उनसे सबसे हाइट पर उड़ने वाला परिंदा है, ये 11-11 किलो का होता है। 8 से 11 किलो के दरमियान इसका वेट जो उनसे लाया करता है। तो 8 किलो से उड़े या 11 किलो के वेट के साथ ये उड़े, मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ता है। और इतनी बारीक नाक के साथ ये, इसकी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती होगी, ये इसके साथ ही सांस लेता है उस हाइट पर भी जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल सबसे कम होता है। तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने के बावजूद ये छोटी सी नाक के साथ वहाँ पे सांस ले लेता है। और हमारी जाहिल और गवार और झूठी उस्ताद कम्युनिटी आवाम को गुमराह करने के लिए कहती है कि जी कबूतर की नाक लंबी होनी चाहिए, बारीक नोक और सीधी लंबी नोक हम इसलिए रखते हैं कि लंबी नाक हो ताकि ज़्यादा हवा खींच सके। किस तरह की जहालत है ये कि कुदरत जो सी है वो जंगली परिंदों में तो नहीं लंबी नाक बनाती कि वो लंबी नाक के साथ ऊंची हाइट पर सांस लें। तो आपने कबूतरों में लंबी नाक ला के क्या करनी थी? लंबी नाक से तो कोई आसमानी उड़ान का ताल्लुक नहीं है। और अगर आप इनकी आंखों को देखें, ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा और इसकी आंखें अंदर को धंसी हुई हैं। देखें यहाँ पे भी अंदर को धंसी हुई है, इसकी आंखें डड्डू की तरह उभरी नहीं हुई या फ्रॉग की तरह पॉप्ड अप नहीं है। तो जो यहाँ पर अच्छे कबूतर की गंदी पहचान में पॉइंट बताया जाता है कि जी आंखें उभरी हुई हों बाहर की तरह पॉप्ड अप हों तो फिर ही कबूतर अच्छा होगा, और आंखें अगर अंदर को हैं तो अच्छा नहीं है। तो बताएं ना, ये सबसे ज़्यादा हाइट पर उड़ने वाला परिंदा है, द मोस्ट हाई फ्लाइंग बर्ड है। इसकी आंखें जो उनसे बाहर को पॉप अप क्यों नहीं कुदरत ने बनाई, इसको मेंढक जैसी आंखें क्यों नहीं दी? और इस तरह की धसी हुई आंखों के बावजूद ये आसमान की सबसे ज़्यादा हाइट से भी ज़मीन के ऊपर इतना क्लियरली कैसे देख लेता है? इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये चेक करें, ये पैरेग्रिन फैल्कन को भी अगर आप देखें तो इसकी आंखें भी, सर देखें ऊपर से चेहरा स्केल्टन उभरा हुआ है और आंखें अंदर धसी हुई हैं, अंदर को गहराई में धसी हुई हैं सॉकेट्स में, बाहर को पॉप्ड अप नहीं है फ्रॉग की तरह। यहाँ पे भी देख ले, ये देखिए आपको गढ़े नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द, यहाँ से यहाँ तक गहराई है, ऊपर सर उभरा हुआ है, नीचे से जबड़े भी उभरे हुए हैं, आंखें अंदर को धसी हुई हैं, कोई फ्रॉक की तरह बाहर को फॉप्ड अप नहीं है। तो बाहर को निकली हुई उभरी हुई आंखें जो उनसी हैं, ये जो लोग मशहूर करते फिरते हैं वो बेसिकली लो फ्लायर और फैंसी ब्रीड्स के ट्रेड्स हैं। उनका आसमानी उड़ान और कबूतर की दूर तक देखने वाली नज़र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए ये पैरेग्रिन फैल्कन भी है, आंखों में कोई 5 डोरे नहीं है फिर भी बहुत से आना है, और आंखें अंदर को दबी हुई हैं, इसकी अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, कोई उभरी हुई बाहर को पॉप अप हुई हुई आंखें नहीं है। तो उस्ताद कम्युनिटी का ये कॉन्सेप्ट भी झूठा और गलत है।